मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड रेफ्रिजरेंट। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक वी विल डिस्कस द प्रायर देर आर सम यू कैन से सिस्टम्स पर्टिकुलरली यू कैन टॉक विद वेपर सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम। द बेसिकली द वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज एट प्रेजेंट, बट द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम टुडे वी विल डिस्कस that is quite obvious, it is very not common in use. So what will the vapor absorption system? The refrigeration system is one of the oldest and it is the simplest method of producing refrigerating effect. ये एक सबसे simple method है हमारे पास जिसमें हम और सबसे पुराना method है और Michael Faraday discovered किया था। Michael Faraday ने इसको 1824 के अंदर इस principle को basically discover किया था। दिस सिस्टम इज यूज बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। ये दोनों एप्लीकेशंस के लिए ये एप्लीकेबल है। डोमेस्टिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द सिस्टम यूजेज बेसिकली व्हाट हैपेंड इन द सिस्टम यूजेज हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू ऑपरेट द होल सिस्टम। जैसे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी यूज करते थे, यू कैन से दैट वॉज द our compressor, here that is replaced with the heat energy. So basically the commonly used refrigerant is ammonia in this system. जो refrigerant है basically यहाँ use होता है वो है ammonia है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं लेकिन ammonia ज़्यादा popular है। तो next, in the vapor absorption system the compressor is replaced with a वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशर होता है उसको रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, एन एब्जॉर्बर, ए पम्प, ए जनरेटर एंड ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए हैं कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर। दीज कंपोनेंट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द कंप्रेशन। ये वही फंक्शन करते हैं सारे के सारा जो का कंप्रेसर करता है जैसे वेपर कंप्रेशन के अंदर। These type of refrigerant system are generally suitable for the areas where there is a problem of electricity. Particularly remote areas के अंदर जहाँ पे electricity की problem रहती है या available नहीं है, उस area के अंदर ये जो system है हमारा vapor absorption system है, it is more suitable. Now we will discuss what is the principle of vapor absorption system. All the absorption system of the refrigeration operate on the principle that several combination of chemicals have the property that one absorbs the another at the low temperature. कह रहा कि एक absorb करता है और दूसरे low temperature पे करता है on the cooling करने पे, but they are separated out at high temperature. मतलब कुछ ऐसे हमारे combination होते हैं कि chemical combination होते हैं, they have the good affinity, दोनों उनके गुड एफिनिटी होती है आपस के अंदर एट लो टेम्परेचर, बट एट हायर टेम्परेचर इट दे आर इजीली सेपरेटेड आउट, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ए प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन इन द सिस्टम विच इज नेसेसरी टू ऑपरेट एंड कंडेंस द रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर हमें एक प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, उसके बिना क्या होगा इसका जो वर्किंग उसमें प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन कम्बिनेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट यूज। बेसिकली ये कुछ बेसिक दो या तीन या चार हमारे कम्बिनेशन हैं जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है मोस्ट पॉपुलर है कॉमन है दैट इज अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट एंटर वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट। तो वाटर दूसरा जो कम्बिनेशन है वो हो सकता है हमारा वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट एंड द लिथियम ब्रोमाइड एज ए एब्जॉर्बेंट। और तीसरा हमारा कम्बिनेशन हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रेफ्रिजरेंट एंड सिलिका जेल एज ए एब्जॉर्बेंट। और जो लास्ट है हमारा वो हो सकता है मिथाइल क्लोराइड एज ए रेफ्रिजरेंट एंड डाई मिथाइल थेन एज ए एब्जॉर्बेंट। ये चार हमारे कम्बिनेशन हैं और चार में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट कॉमनली हम जो है यूज़ करते हैं अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट एंड वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट। Now we will discuss about the further the simple vapor absorption system. So simple है जो vapor absorption system है उसके main ये it is very simple और इसके main parts हैं वो हम आपको जैसे list में दिए हुए हैं। absorber है, ए generator है, condenser है, receiver है एंड evaporator।
तो देयर इज अ लाइन डायग्राम विच शोज द सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। देखिए इसके अंदर हमारा सबसे पहला जनरेटर है, जनरेटर के बाद हमारा हाई प्रेशर अमोनिया या जनरेटर में बेसिकली जनरेटर क्या है, व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर इज ए वेसल, एक टाइप का वेसल है जहाँ पे हम उसको हीट सप्लाई करते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट को, और हीट में भी बाई हीटिंग कॉइल और सम अदर मेथड लाइक केरोसिन ऑयल और यू कैन से यूज सम अदर मीन्स ऑफ हीट जनरेशन। यहाँ पे हमारा जो जनरेटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा वेपर अमोनिया है जो पंप होके आता है एब्जॉर्बर से, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, द वीक सॉल्यूशन। द वीक सॉल्यूशन वो बोला जाएगा जिसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम होती है और एब्जॉर्बर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। बट इसके अपोजिट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वो कहलाएगा जिसमें हमारा जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है और रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी, ये कह लीजिए कि अमोनिया की क्वांटिटी, NH3 की क्वांटिटी वो ज़्यादा है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो हमारा इंटर करता है जनरेटर के अंदर, और वहाँ पे हम स्टीम या फिर कोई भी हीटिंग कॉइल से हम क्या करते हैं, उसको हीट को ऐड करते हैं, उसको गर्म करते हैं, बॉयल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गर्म होगा, प्रॉपर्टी बताई है कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के दोनों वाटर और अमोनिया हमारा सेपरेट आउट होंगे, और जो हमारे रेफ्रिजरेंट है बेसिकली हमारा अमोनिया, उसके जो वेपर है वो हमारा आगे जाएंगे, हाई प्रेशर वेपर जो अमोनिया है वो चलेंगे हमारे कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर में जाएंगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो हीट को आउट करता है। हमारा कंडेंसर का पर्पज़ ये होता है कि हीट को बाहर फेंकना, और उसके अंदर हमारे कूलिंग कॉइल के थ्रू हम क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, और अमोनिया अपनी हीट को बाहर छोड़ता है, और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके और रिसीवर के थ्रू एक्सपेंशन वाल के थ्रू, एक्सपेंशन वाल में क्या होता है बेसिकली, वो एक्सपेंशन वाल के अंदर उसका लो प्रेशर पे और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एक्सपेंड करता है बेसिकली हमारा लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है, और अल्टीमेटली वो जाता है एब्जॉर्बर के अंदर, सॉरी एवोपरेटर के अंदर। एवोपरेटर क्या है, दैट इज द स्पेस वेयर वी वांट टू कूलिंग इफेक्ट, ये वो स्पेस है जहाँ हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, और वहाँ पे जो आसपास पे हीट है, जो भी हमें सामान रखते हैं या कोई भी चीज़ है, वहाँ से हीट जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कलेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक्सट्रैक्ट करता है उस एरिया से, और उसके बाद वो वहाँ से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, और स्टेट चेंज होने के लिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, वो वहाँ से हमारी ले लेता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ से लेने के बाद ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो एब्जॉर्बर में जाता है। एब्जॉर्बर के अंदर क्या है, हमारा पहले ही हमारा वाटर है, और वो बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ जाके ये फिर ऊपर से जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है, वीक सॉल्यूशन है हमारा जो जनरेटर से आ रहा है, वहाँ पे जाके मिक्स होता है, और ये जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करके हम दोबारा पंप करते हैं जनरेटर के अंदर। तो ये साइकिल है जो कंटिन्यू रहता है, और ऐसे ही हमारा सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ऐसे वर्क करता है। ये वर्किंग हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बेसिकली देर आर सम प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली द सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, देर आर सम यू कैन से हिंड्रेंस, सम प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हमारा जब हमारा कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर, तो देर आर सम चांसेस कि वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ हमारा वाटर वेपर भी चले जाते हैं, और अगर वाटर वेपर हमारे चले जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उसका जो फ्यूजिंग पॉइंट है वो कम है वाटर का, इसलिए वो जाके वहाँ हमारा जो चोक कर सकता है वाल को, हमारे पाइपिंग लाइन को चोक कर सकता है, फ्रीज हो जाता है वो। तो इसलिए हम उसको दूर करने के लिए, इन ऐसी कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ हम इम्प्रूव करने के लिए कि एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए, यू कैन से COP, पर्टिकुलरली COP को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स लगाए हैं, एसेसरीज लगाई हैं, और दे आर पर्टिकुलरली एसेंशियल टू इम्प्रूव द COP, एंड दीज आर द यू कैन से एनालाइजर, फर्स्ट एनालाइजर है, दूसरा हमारा रेक्टिफायर है, इसको हम सेपरेटर भी बोलते हैं, और हमारा हीट एक्सचेंजर्स हैं। तो दो या तीन हमने इक्विपमेंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, सेम वही चीज़ है, और वो हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इससे हम क्या प्रैक्टिकली हम वर्क कर सकते हैं, हम आउटपुट ले सकते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्टली व्हाट इज़ द एनालाइजर, व्हेन द अमोनिया इज वेपराइज्ड इन द जनरेटर, जैसे कि डिस्कस किया था हमने कि इट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द ऑपरेटिंग सम ऑफ द वाटर,
तो जो अमोनिया के साथ है कुछ वाटर वेपर भी चले एवोपरेट हो जाते हैं. दिस वाटर वेपर विल फ्लो इन टू द कंडेंसर अलॉन्ग विद द अमोनिया वेपर एंड दीज वाटर पार्टिकल्स विल फ्रोजन टू आइस ऑन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद क्या वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज वेरी वेरी यू कैन से इट इज वेरी हायर और यू कैन से जीरो पे क्या हो सकता है देन द अमोनिया. अमोनिया हमारा फ्रिज होता है -78 डिग्री के ऊपर, बट जो हमारा वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा फ्रिज हो जाता है. तो इस टेम्परेचर पे आते ही हमारा वो वाटर फ्रिज हो जाएगा और वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए ये ब्लॉक कर सकती है एक्सपेंशन वाल को, और इसको अवॉइड करने के लिए सो इन ऑर्डर टू रिमूव द अनवांटेड वाटर पार्टिकल्स फ्लोइंग टू द कंडेंसर एन एनालाइजर इज यूज्ड. बेसिकली एनालाइजर का काम ही है. द एनालाइजर में भी बिल्ट अप पार्ट ऑफ द जनरेटर और सेपरेट इक्विपमेंट इन द सिस्टम. ये जनरेटर के का बिल्ट अप पार्ट भी हो सकता है और ये अलग से हम इसको इक्विपमेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ट्रेज. ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम. इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ट्रेज माउंटेड अबव द जनरेटर. इसमें क्या जनरेटर के ऊपर सीरीज में ट्रे लगे रहते हैं आपकी. एंड द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एट द लो टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्लोज डाउन साइड ओवर द ट्रेज ऑफ द एनालाइजर टू कूल द आउट गोइंग वेपर. बेसिकली जो आउट गोइंग वेपर जा रहे हैं अमोनिया की उनको कूल करता है और ये हमारा ड्यूअल पर्पज सोल्व करता है. एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज हायर. जो वाटर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द अमोनिया एट द गिवन प्रेशर सो द वाटर वेपर कंडेंस इज फास्ट. तो पहले वाटर जो हमारे वेपर हैं वो हमारे पहले कंडेंस हो जाएंगे, इसलिए सो दैट द मेनली अमोनिया वेपर विल गो टू द कंडेंसर इज लोअर इन टेम्परेचर. जो कंडेंसर के अंदर जाएंगे वो लोअर टेम्परेचर पे होंगे एंड हीट इनपुट टू द जनरेटर इज डिक्रीज. तो हमारे जो हीट इनपुट है तो वहाँ से वो जनरेटर के अंदर वो हमारे डिक्रीज हो जाएगी. ये हमें बेनिफिट होगा. दूसरा हमारा बेनिफिट होगा कि हम वाटर वेपर्स को यहाँ पे हम रोक सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारे प्योर के प्योर हमारे अमोनिया वेपर कंडेंसर के अंदर जाएँ. तो सेकेंड जो इक्विपमेंट्स है हमारा दैट इज़ द रेक्टिफायर. इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम. इट इज़ ए वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर. सिंपली बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर है और इसको हम कई बार सेपरेटर और डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं इसको. इट फंक्शन इज टू कूल द अमोनिया वेपर. अमोनिया वेपर को कूल करना इसका मेन फंक्शन होता है. कमिंग आउट फ्रॉम द एनालाइजर, एनालाइजर से जो बाहर आते हैं उनको कूल करना सो दैट द रिमेनिंग वाटर पार्टिकल्स में एलिमिनेटेड एंड द रिटर्न बैक टू द एनालाइजर बाई ए ड्रिप टर्न पाइप. ड्रिप रिटर्न पाइप बेसिकली क्या है कि जो हमारा एनालाइजर है वो हमें 100% जो वाटर वेपर है उसको बिल्कुल रोकता नहीं है. कुछ ना कुछ परसेंटेज जो वाटर वेपर का है वो हमारा फिर भी वहाँ से निकल के आ जाता है और वो हमारे रेक्टिफायर के अंदर हम उसको कैच करते हैं और वहाँ उसको रोकते हैं. और जो रिटर्न बेसिकली क्या करते हैं कि जो वाटर वेपर है उसको हम रिटर्न जनरेटर के थ्रू जनरेटर में वापस भेज देते हैं. दस द ओनली ड्राई अमोनिया वेपर मे फ्लो टू द कंडेंसर. तो इस कंडीशन के अंदर आफ्टर रेक्टिफिकेशन आफ्टर रेक्टिफायर जो अमोनिया वेपर है हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारा कंडेंसर में फ्लो करेगा. और फ्लो करेगा तो क्या होगा वो प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि वाटर वेपर उसमें नहीं है. दिस इज द प्रैक्टिकल यू कैन से लाइन डायग्राम फॉर द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम. तो वी कैन डिस्कस सम पॉइंट्स. फर्स्टली वी कैन स्टार्ट विद द जनरेटर. हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो बाकी जो है पार्ट्स हैं जो वो एज इट इज रहते हैं सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में. कुछ हमने इसमें एडिशंस किए हैं, दो हमने हीट एक्सचेंजर ऐड किए हैं, रेक्टिफायर लगाया है, एनालाइजर लगाया है. तो जनरेटर में के अंदर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है पंप होके ऑब्जर्वर के तो वो क्या है जनरेटर के अंदर आएगा. जनरेटर के अंदर हमारे ऊपर एनालाइजर लगा है. एनालाइजर में क्या होता है हमारा जो अमोनिया वेपर हैं वो हमारे मोस्टली ऊपर जाते हैं कंडेंसर के अंदर, बट जो वाटर वेपर हैं उनमें से 90% यहीं रुक जाते हैं. बट कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारा बेसिकली वाटर वेपर है वो फिर भी अमोनिया के साथ चला जाता है और वो हमारा रेक्टिफायर के अंदर हमारे डिहाइड्रेटर के अंदर वो हमारा रुक जाता है, वहाँ पर रोक लेते हैं. उसके बाद प्योर जो आपके वेपर रेफ्रिजरेंट है
अमोनिया है वो आपका कंडेंसर के अंदर जाता है और वहाँ पे कंडेंस होता है, हीट को इजेक्ट करता है, बाहर फेंकता है, उसके बाद कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रिसीवर के थ्रू बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है वहाँ भी। और हीट एक्सचेंजर का मतलब है कि टू इम्प्रूव द एफिशेंसी, एफिशेंसी को इम्प्रूव करता है और हमारी हीट रिक्वायर्ड जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ कम हो जाती है और जहाँ पर हमें कूल करना है वो चीज़ कूल हो जाती है, जो गर्म करना वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ हीट एक्सचेंजर के थ्रू, एक्सपेंशन वाल के थ्रू एवोपरेटर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है। एवोपरेटर से वही जैसे हमारा आसपास के एरिया को जिसको हमने कूल करना है उस एरिया से रिक्वायर्ड हीट लेता है हमारा रेफ्रिजरेंट, और जो रिक्वायर्ड हीट होती है दैट दैट विल बी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वेपर में कन्वर्ट होके हीट को लेके और वो एब्जॉर्बर के अंदर एंटर करता है। एब्जॉर्बर के अंदर क्या है हमारा, देखिए ऊपर वीक सॉल्यूशन आ रहा है, देर इज ए हीट एक्सचेंजर बिटवीन द जनरेटर एंड द एब्जॉर्बर। ये हीट एक्सचेंजर का क्या काम है, बेसिकली जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको हमें गर्म करना है, उसको हमें हीट करना है, और बट हमारा जो ऊपर से वीक सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारा गर्म है, और ये नीचे से जा रहा है इसका टेम्परेचर कम है उसका ज़्यादा है। तो हम दोनों को एट ए हीट एक जंक्शन बना देते हैं। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो हमारा जनरेटर के अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जो वीक सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि हमें बेनिफिट है इसमें हमारा हीट की, हमें एनर्जी की सेविंग मिल जाती है। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं, लाइन डायग्राम है आपका प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। तो नाउ वी विल डिस्कस बेसिकली हीट एक्सचेंजर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो हमने बताए हैं आपको। देर आर टू हीट एक्सचेंजर्स। ए हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या है, ये कहाँ लोकेट किया हुआ है। फर्स्ट जो हीट एक्सचेंजर है इट इज़ लोकेटेड एट द इन बिटवीन एब्जॉर्वर एंड द जनरेटर एंड यूज टू कूल द वीक हॉट सोल्यूशन। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम। और बेसिकली जो मेन पर्पज़ होता है हमारा वो इकोनोमाइज करना होता है प्लांट को, हमारे सिस्टम को, और दोनों के दोनों हीट एक्सचेंजर का पर्पज़ यही होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। वॉट इज दैट बेसिकली, इलेक्ट्रोलक्स वॉज द फर्स्ट कंपनी, इलेक्ट्रोलक्स एक पहली कंपनी थी जिसने इस आइडिया को अडोप्ट किया था। डोमेस्टिक एब्जॉर्बर एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर वॉज डिवेल्प बाई द कार्ल मुंटर एंड बी वी प्लेटन। दिस सिस्टम इज ऑफर्ड ऑफन कॉल्ड बाई द मुंटर प्लेटन सिस्टम। सबसे पहला जो इस डोमेस्टिकली जो रेफ्रिजरेटर बना था उन दो आदमियों ने बनाया था, साइंटिस्ट ने बनाया था, उसका उसी नाम से वो सिस्टम आपका फेमस हो गया था, वो था मुंटर प्लेटन सिस्टम। द आइडिया वॉज फर्स्ट डिवेल्प बाई द इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ऑफ यूके। जो इलेक्ट्रोलक्स कंपनी है, यूके कंपनी है, उसने इस आइडिया को अडोप्ट किया था और उसके बेस पे एक रेफ्रिजरेटर बनाया था। दिस सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इस सिस्टम को हम थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं और इस नाम से भी एक पॉपुलर है। द थ्री फ्लूड यूज इन सिस्टम आर अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोजन गैस एंड द वाटर एब्जॉर्बेंट। हाइड्रोजन या इनर्ट गैस है, हमारा वाटर है वो एब्जॉर्बेंट है, तीनों के तीनों हम इसमें यूज करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस सिस्टम इज टू एलिमिनेट द मूविंग पार्ट, दैट इज द यू कैन से पंप, सच टाइप ऑफ पंप। इसके अंदर जो हमारा पंप था हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर, उसको भी कम करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें थ्री फ्लूड सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके अंदर हमारा जो पंप है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। द अमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट पोजेसेस मोस्ट ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। अमोनिया एक ऐसा हमारे पास रेफ्रिजरेंट है, ऐसा यू कैन से एलिमेंट है जिसके अंदर की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं रेफ्रिजरेंट की वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। इट इज टॉक्सिक बट ड्यू टू द एबसेंस ऑफ मूविंग पार्ट, बेसिकली ये टॉक्सिक है बट ड्यू टू द एबसेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स देर इज अ वेरी लिटिल चांसेस फॉर द लीकेज एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज इज स्मॉल। बेसिकली कि इसकी जो अमाउंट करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं वो भी कम करते हैं, और देर इज़ नो मूविंग पार्ट तो इसमें लीकेज के चांसेस कम है, इसलिए टॉक्सिक का कोई हमें नुकसान नहीं है। द हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट गैस इनर्ट गैस इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपरेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया पासिंग थ्रू द एवेपरेटर। यहाँ पे जो इनर्ट गैस है बेसिकली जो पर्टिकुलरली हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, दैट इज यूज टू इंक्रीज द एवेपरेशन रेट। एवेपरेटर के अंदर अमोनिया को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, इट इज़ द हेल्पिंग एजेंट, और वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है।
और बाकी इसमें यूज नहीं होता, वो एज ए हेल्पिंग एलिमेंट है। दिस इज द लाइन डायग्राम फॉर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारा सबसे मेन मेन पार्ट्स वही रहेंगे, हमारे पार्ट्स सारे के सारे। जनरेटर है, रेक्टिफायर है, कंडेंसर है, ओवरपरेटर है, अमोनिया बेसिकली हाइड्रोजन का कम्बिनेशन दिखा हुआ है एब्जॉर्बर के अंदर, और उसके बाद हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं हम, और जनरेटर के अंदर हम जो है हीट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे गैस बर्नर का यूज़ कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारा जो स्मोक्स, जो वेस्ट स्मोक है किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी फैक्ट्री से, या किसी भी सिस्टम में जो स्मोक्स वेस्ट जा रहे हैं, हम उस एनर्जी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे वर्किंग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन है जो फ्रॉम एब्जॉर्बन थ्रू द हीट एक्सचेंजर इज हीटेड इन द जनरेटर बाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, गैस बर्नर और स्टीम और वेस्ट। किसी से भी, किसी कोई भी मीन यूज़ कर सकते हैं हम हीट को ऐड करने के लिए। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, जैसे हम हीटिंग करेंगे और जो सोल्यूशन है हमारा उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड द अमोनिया वेपर विद वाटर पार्टिकल्स इज पास टू द रेक्टिफायर। जैसे वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, दोनों के दोनों हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट हमारा अमोनिया है और वाटर है, दोनों के दोनों कन्वर्ट होंगे वेपर के अंदर, और दोनों के हमारे मिक्स होके रेक्टिफायर के अंदर जाएंगे। वेयर द वेपर ऑफ द अमोनिया एंड वाटर आर सेपरेटेड आउट, जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सेपरेटेड आउट करता है और जो वाटर वेपर है हमारा उसको रिटर्न कर देता है ड्रिप पाइप के थ्रू, रिटर्न पाइप के थ्रू वापस। इफ दीज वाटर पार्टिकल्स वर नॉट रिमूव्ड, ये जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो है और अमोनिया का -78 है, तो पहले वाटर हमारा फ्रिज हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा वहाँ, नहीं रोकेंगे तो वो जाके हमारा चोक कर देगा एक्सपेंशन वाल्व को। तो द प्योर अमोनिया वेपर है हमारा इज अप्लाइड टू द कंडेंसर, यहाँ पे प्योर अमोनिया कंडेंसर को जाएंगे, एंड द वाटर पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक टू द जनरेटर। द अमोनिया वेपर इन द कंडेंसर आर कंडेंस्ड बाय द यूजिंग एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स। इसमें हम बाहर का कोई